रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, ये अक्टूबर का पहला हफ्ता और रबीउल अव्वल का महीना हम ये हफ्ता हफ्ते रहमतुल आलमीन के तौर पर मना रहे हैं। ठीक है, तो रहमतुल आलमीन के मायने हैं तमाम आलमीन के लिए रहमत, और तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर कौन आए? हमारे बोलें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद, जी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए, जानते हैं ना आप कौन से शहर में पैदा हुए? हाँ, और आपकी वालदा का नाम हज़रत आमना था। आपकी वालदा का नाम क्या था? और आपके वालिद का नाम हज़रत वेरी गुड, आप तो सब जानते हैं। और आपके दादा का नाम हज़रत, वेरी गुड, आपके दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुतल्लिब था। शाबाश, आप तो जानते हैं ये सारी बातें। तो हमारे प्यारे नबी नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं। ठीक है, ये अरब के मशहूर शहर मक्का में पैदा हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त अरब लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा बुरी आदतों में मुब्तला थे। बुत परस्ती करते थे, जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, झूठ बोलते थे, बहुत सी बुरी आदतों में मुब्तला थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको अल्लाह का पैगाम दिया, बुरी बातों से रोका, बुत परस्ती से रोका, खाने काबा में जो बुत रखे हुए थे उनको अपने हाथों से तोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद यानी इस्लाम फैला और आज पूरी दुनिया में अल्लाह के नाम लेने वाले मौजूद हैं, इस्लाम मौजूद है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। कितने साल की उम्र में? 40 साल की उम्र में एक फरिश्ता आता था पैगाम लेके अल्लाह ताला का, जिसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। मालूम है आपको कि अल्लाह ताला के नबी के पास एक फरिश्ता आता था हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेके। नबियों पर अल्लाह का पैगाम कौन लेकर आते थे? कौन से फरिश्ते? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सब बोलें, अब यही भूलेंगे तो नहीं? ठीक है, चलें हम रोज़ाना थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएंगे और फिर आप इन बातों को याद रखिएगा।